हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, शौनक देवधर जी की वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझसे सन 1959 में यूएसए न्यूयॉर्क में एक चैंपियनशिप हुई थी, यूएसए चैंपियनशिप, उसकी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी लैरी इवांस और आर्थर बिसगोयर। आई थिंक दोनों, आर्थर माइट भी यूरोपियन हो सकते हैं, लेकिन लैरी शायद अमेरिकन ही रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा अब इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर शौनक जी ने इस गेम में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने कहा कि मुझसे इस गेम को फिर वीडियो जरूर होनी चाहिए हमारे इस चैनल पर। तो यहाँ गेम की शुरुआत की थी लैरी इवांस ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ आर्थर ने किया। Nf3, Nf6, रशियन डिफेंस और पेट्री ऑफ डिफेंस, जो कि ज़्यादा मशहूर है इस ओपनिंग के लिए। Nxe5 ऑब्वियस होना ही है, देन D6, नाइट पर अटैक बनाइए, नाइट वापस F3² पर गया, देन Nxe4। और अब यहाँ वैसे तो क्वीन सामने आती है, नाइट आगे पुश नहीं, नाइट तो आगे पुश नहीं हो सकता, क्वीन ही आगे आगे लगेगी। खैर, जो भी होता है, यहाँ C4 पहले वाइट ने किया और वाइट की प्लानिंग क्या है कि इस डी पॉन को आगे पुश ना होने दी जाए। देन D5, फिर भी पॉन आगे पुश हुआ, नाइट C3² पर अटैकिंग दिस पॉन, और यहाँ E4 नाइट को थोड़ा वीक करने की कोशिश है, बिशप C4, और सीधा यहाँ आप देख सकते हैं कि इस F2 पॉन पर प्रेशर है। देन D4 वापस बिशप पर अटैक बना, ये बिशप गया B4² पर, नाइट को पिन किया, देन क्वीन B3 यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स, अब क्या ब्लैक क्या ऑप्शंस कंसिडर कर सकता है? आई थिंक क्वीन को E7² पर बिशप पर डिफेंस किया जा सकता था, एक ऑप्शन थी क्वीन को मतलब बिशप पर डिफेंस करने, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले C5 किया बिशप पर डिफेंस करने के लिए, देन बिशप D3, यहाँ इस नाइट पर प्रेशर है। लेकिन आई थिंक ब्लैक का पूरा ध्यान इस C3² पर है, तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती और मैं अगर इस गेम खेल रहा होता तो Cxd4 ब्लैक की तरफ से करता, नाइट पर अटैक बनाता, ज़्यादा ज़्यादा वाइट यहाँ क्या कर लेता, Qxb4 कर लेता, और उसके बाद यहाँ मैं मेटल एक्शंस को इक्वल कर सकता था, माइट भी। अब मैं इस पूरी गेम को अगर एनालाइज करूँ तो ये बात पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ब्लैक डेवलपमेंट में थोड़ा आगे होगा, ठीक है, यहाँ सॉरी व्हाइट डेवलपमेंट में थोड़ा होगा, ठीक है, ब्लैक का ये नाइट थोड़ा एडवांस पोजीशन में, बाकी ब्लैक के लगभग सभी पीसेज ओरिजिनल स्क्वायर्स पर रखे हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर टू माई सरप्राइज लैरी ने किया था क्वीन F5, और पूरा ध्यान इस C3² पर ही बना कर रखा। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस पोजीशन में होंगे तो क्या करेंगे, बिशप को, सॉरी बिशप को डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ एक पॉन तो कम से कम अब वाइट गंवाने ही वाला है। लेकिन यहाँ लैरी ने सबसे पहला काम कैसल करने किया, क्या, और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले कैसल किया जाए आपकी डेवलपमेंट, वाइट डेवलपमेंट देखिए आप, यहाँ ये चार पीस बिल्कुल सही रखे हुए हैं, बिशप थोड़ी देर में बाहर कहीं ना कहीं निकल कर आ ही जाएगा, दोनों रुक्स कनेक्ट होने वाले हैं। वहीं ब्लैक को देखिए, ब्लैक के तीन अभी तो पीसी डेवलप नहीं हुए हैं, डेवलपमेंट ही ब्लैक की चल रही है। ब्लैक की डेवलपमेंट क्यों चल रही है, क्योंकि अभी तक भी ब्लैक अपने पीसेज को ही बार बार रोटेट कर रहा है, उन्हीं जो डेवलप हो चुके हैं उन्हीं पीसेज को रोटेट कर रहा है, 10वां मूव है, ये नहीं होना चाहिए और ये ड्रॉबैक होता है, और इसी बात का फायदा यहाँ व्हाइट को इस गेम में मिलने वाला है। नाइट टेक C3, बी टेक C3, देन बिशप टेक C3, बिशप B2 करना ही होगा, बिशप टेक्स B2, देन रुक एट ए गोज टू E1, चेक, एक चेक भी आ गए, किंग F8² पर क्वीन टेक्स B2, और फ्रेंड्स गेम का ये 14th मूव। वहीं अब ब्लैक की बात करें, ब्लैक के हाथों से उसका कैसल चांस जा चुका है, ओरिजिनल स्क्वायर्स पर अभी भी नाइट और बिशप अभी ओरिजिनल स्क्वायर पर रखे, बीच में यहाँ जो भी पेंट पॉन ट्रेड होने वाला है उसमें ड्रॉबैक यहाँ ब्लैक को ही रहने वाला है, तो व्हाइट क्लियरली यहाँ इस पॉइंट में आगे चल रहा है। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती फॉर ब्लैक, आई थिंक जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए था, तो नाइट D7 के ऑप्शन जरूर कंसिडर करने चाहिए थे और फर्दर आगे इस गेम को आगे बढ़ाना चाहिए था। Cxd5 होता भी, देन क्वीन C7² पर चला जाता, नाइट E5, और धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ानी चाहिए थी ब्लैक को सबसे पहले, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया Cxd4, नो यूज Cxd5। और फ्रेंड्स, ये Cxd5 करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि वाइट को मौका मिला है एक पॉन की लीड का, नहीं पॉन की लीड तो नहीं है, अगर फिफ्थ रैंक में अपने पॉन को पहुंचा दिया, लेकिन क्या ब्लैक इस पॉन को ले सकता है, जरा देखते हैं। अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स D5 करे तो फ्रेंड्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से ये गेम चेकमेट कर रहा है वाइट, क्वीन A3 चेक, ये किंग ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन पर आ चुका है इस रुक की वजह से, यहाँ बैक रैंक चेकमेट हो गई है, किंग G8² पर ही जाएगा, देन रुक G8 चेक, और यहाँ ही मेट हो गई। फ्रेंड्स, बातों ही बातों में जो अभी तक यहाँ चल रहा था कि ब्लैक अपने डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक को अब एहसास हुआ होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है अपने पीसेस को बाहर ना निकाल कर, तो अब
इस मूव के बाद तो मतलब आप देख सकते हैं डी5 पॉन तो इम्पॉसिबल है लेना। तो ब्लैक ने अब अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू किया, उन्होंने अपने नाइट को d7 स्क्वायर पर लिया, देन क्वीन टेक्स d4, पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा, थोड़ा वीक पासर तो नहीं कहूंगा, थोड़ी देर में अगर ये दो मूव किसी तरह क्रॉस कर जाए तो बहुत डेडली पासर ये हो सकता है d5 में वाइट के पास। नाइट f6, और नाइट f6 इसलिए क्योंकि ब्लैक का अगला मूव क्या होने वाला है फ्रेंड्स पता ही है, क्वीन e5, और यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट थी, और चूंकि अब ये चेकमेट की थ्रेट इतनी स्ट्रांग बन चुकी है, तो आई थिंक ब्लैक को कुछ भी करके अपने लिए कुछ स्क्वायर्स खोलने थे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये जी पॉन भी आगे कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज नाइट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्वीन c5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, माइट बी कुछ इस तरह से नाइट पर डिफेंस हो सकता था, और उसके बाद ये जी पॉन आगे पुश किया जा सकता था। खैर नाइट g5, फ्रेंड्स लैरी इवांस का ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नाइट ब्लैक अभी इस बैक रैंक चेकमेट के झमेले से बाहर नहीं निकल सकता, और नाइट इस f6 स्क्वायर से हट नहीं सकता, अदरवाइज अगले मूव में डायरेक्टली चेकमेट है। तो खैर ये तो फॉर्चुनेटली ये क्वीन सही स्क्वायर पर आ गई सही समय पर, अदरवाइज यहाँ क्वीन e7 चेक और ये चेकमेट तब भी होती। वेल कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ जो वाइट के आइडियाज हैं कि वो यहाँ अपने इस नाइट को इधर g5 स्क्वायर पर क्यों लेकर आए हैं, क्या प्लानिंग है वाइट की, तो फ्रेंड्स आप यहाँ इस h7 स्क्वायर की पोजीशन को देखिए। अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक h6 कर देता है, क्योंकि उस h7 स्क्वायर पर प्रेशर है, ब्लैक का नाइट यहाँ f6 स्क्वायर पर फिक्स हो चुका है, अब फिर भी यहाँ वाइट कर सकता है नाइट h6 चेक, रुक टेक्स h6 हो ही सकता है लेकिन बिशप टेक्स, और रुक टेक्स h7 हो सकता है लेकिन बिशप टेक्स h7, और फिर वही प्रॉब्लम अभी भी रहेगी कि ये चेकमेट का जो प्रेशर अभी बना हुआ है, यहाँ ये बिशप बड़े गलत स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, नाइट हट नहीं सकता, पॉन आगे पुश हो नहीं सकता, दैट्स इट। तो यहाँ फिलहाल खैर h6 फ्रेंड्स, h6 ऑप्शन तो आप कंसिडर कर ही चुके हैं, तो ब्लैक के लिए बड़ा दुविधा भरा मूव है, उन्होंने यहाँ किया बिशप d7, ठीक है कुछ ना कुछ तो डेवलप करना ही है, और उसके बिशप d7 आने के बाद फ्रेंड्स अगला मूव है रुक को h8 स्क्वायर पर लाकर क्वीन, और थोड़ा सा बोर्ड को इजी करने का, थोड़ा बोर्ड को हल्का करने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले वाइट ने यहाँ पहले किया नाइट e4, और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, कह सकते हैं फोर्सफुली ब्लैक को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वाइट का ये नाइट यहाँ d6 स्क्वायर पर जाकर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ा सकता है, नाइट टेक्स e4 करना ही पड़ेगा, देन रुक टेक्स e4, रुक e8, ब्लैक की ये प्लानिंग होनी ही थी, तो क्वीन f4 स्क्वायर पर चलेगी, दैट्स इनफ, रुक टेक्स e4 कर लेना चाहिए था, जब क्रैम्प्ड पोजीशन हो सिंपल फिलोसफी, पीसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सचेंज कर लो, बोर्ड को जितना सिंप्लीफाई हो सके, हाँ नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन फिर कंट्रोल में नहीं आती है, बिशप टेक्स e4 होता भी देन g6, फिर दोबारा ये लेफ्ट मतलब कि इस किंग के लिए एक स्क्वायर खुल सकता था। वेल क्वीन टेक्स d5, ये मूव ठीक नहीं, रुक पर भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, ठीक है बिशप पर कुछ देर के लिए प्रेशर है, लेकिन इसका क्या किया जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, नहीं इसका नहीं, उसके बाद भी नहीं, कुछ ये मूव ठीक नहीं होगा, बिशप को c4 स्क्वायर पर लाने वाला मूव ठीक नहीं होगा, यहाँ वाइट ने गैर रुक अटैक e1, अपने रुक्स की बैटरी तैयार की, फोर्सफुली यहाँ रुक टेक्स e4 करना ही पड़ेगा, देन बिशप टेक्स e4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई e6 स्क्वायर पर, और आप कह सकते हैं कि बिशप कुछ देर के लिए यहाँ ये पिन हो चुका है, रुक मिसप्लेस्ड मतलब रॉन्ग कलर्ड हो गया सब कुछ। तो फ्रेंड्स अब वाइट इस गेम को किस तरह से मैनेज करें, अपनी क्वीन को d2 स्क्वायर पर ले जाकर अपने रुक पर डिफेंस करके, शायद करना चाहिए था, लेकिन वो मूव मेरे जैसे खिलाड़ी खेलते हैं थोड़ा पैसिव गेम खेलने वाले, कि ठीक है जो अनडिफेंडेड पीस है उस पर जाकर डिफेंड कर लो, लेकिन लैरी वांस ने यहाँ किया क्वीन b8 चेक, बैम मीन्स शुरू से ही अग्रेसिव गेम है, और आप देख सकते हैं कि किंग तो मूव नहीं हो सकता, अगर ये किंग मूव होता है तो फिर बिशप टेक्स h7 चेक, और यहाँ ये रुक गंवाना पड़ जाएगा आफ्टर ऑल ब्लैक को, बिशप e8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन क्वीन टेक्स a7, कॉर्नर का पॉन बहुत अच्छा कोई रीजन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम गौर से देखें तो रीज़न काफ़ी हद तक समझ में आते हैं, वाइट यहाँ अपनी क्वीन को e3 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक दे रहा है, फोर्सफुली ब्लैक के किंग वही बात है कि g8 स्क्वायर पर जा नहीं सकता, अदरवाइज उसे यहाँ अपनी ये क्वीन गंवानी पड़ जाएगी, डिस्कवर्ड अटैक होगा इस क्वीन पर, तो यहाँ क्या करना चाहिए, मैं मेरे लिए ब्लैक की
ब्लैक के लिए जो बेस्ट मूव नजर आता है वो काफी देर से इस G6 पॉन को आगे पुश करने का ही है, ताकि ये किंग की सेफ्टी एंश्योर हो, ब्लैक का रुक भी इस गेम में आ सके। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से B6 किया, इस पॉन को बचाने की अभी जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो जाता है तो जाए, लेकिन किंग की सेफ्टी मस्ट है। क्वीन A3 चेक, ये मूव आना ही है फ्रेंड्स। और अब ब्लैक ऑब्वियस है, किंग G8 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ बिशप टेक्स H7 चेक होगा, किंग टेक्स H7, रुक टेक्स H7, वट एवर इट इज, रुक टेक्स C5, एफ टेक, ओ रुक टेक्स C6, एफ टेक्स C6, क्वीन D3 चेक, और इस रिपीटेड चेक्स वगैरह वगैरह जो भी आप लगाएं, यहाँ जो भी थोड़ा बहुत मेटेरियल बचा होगा ब्लैक के पास वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। रुक है, ठीक है, बिशप है इस क्वीन के बदले में, लेकिन ये दो पॉन, इनफैक्ट खासकर ये जो C6 पॉन है, ये बहुत देर तक इस गेम में कुछ खास नहीं कर पाएगा, खासकर इस डेंजरस मूव के बाद। वेल, यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो क्या कह सकते हैं कि ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव था कि इस क्वीन को बीच में लगाया जाए, क्वीन E7। और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ज़रा वो मूव निकालें या वो मूव ढूंढने की कोशिश करें जहाँ, जिसे चलने के बाद आर्थर ने यहाँ इस पोजीशन से रिजाइन कर दिया था। वैसे फ्रेंड्स, जब मैंने मूव निकालने के लिए बोला तो दिमाग अपने आप चलने लग जाता है। यहाँ ऑब्वियस मूव, मतलब चूंकि एक क्वेश्चन था तो ऑब्वियस मूव बन जाता कि क्वीन को ट्रैप करो, क्वीन ट्रैप हुई, बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाता। और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद आर्थर ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये क्वीन पिन है, तो एटलीस्ट रुक तो सेफ है वाइट का, बैक रैंक चेकमेट का कोई खतरा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है कि बिशप ब्लैक के लिए, बिशप का जो वाइट के बिशप पर टारगेट ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जहां सीधा रुक पहुंचेगा और अगले मूव में चेकमेट कर देगा। और तीसरी प्रॉब्लम है कि रुक क्वीन और रुक यहाँ इस E7 स्क्वायर पर अटैक कुछ ज्यादा ही अच्छा बना रखा है उन्होंने, तो अब यहाँ से ये गेम कहाँ आगे बढ़े। G6 करें भी तो क्वीन टेक C7 चेक, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक C8, रुक F8, ठीक है, अब कुछ देर के लिए कर लेते हैं डिफेंस, रुक E6, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस गेम को आगे चलाना। किंग को ही मूव करना होगा, चलिए एक मूव के लिए H पॉन भी आगे पुश होगा, किंग G8 स्क्वायर पर चला भी गया, देन रुक F6, और यहाँ इस F7 पॉन पर जितना भी प्रेशर हो सकता था वाइट के पास वो सारा वो यहाँ लगा देगा, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक्स F7, किंग H6, वट एवर इट, मतलब इस गेम में कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे तो सीधा यहाँ क्वीन रुक को ले रही है। खैर फ्रेंड्स, मैं वेरिएशन कितने भी निकाल सकता हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, निकलते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये मूव निकालना बहुत मुश्किल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आई थिंक बेस्ट गेम है शौनक देवधर जी ने, बहुत अच्छी गेम है, हम सभी लोगों को बताई। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो चेस लवर्स हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट ज़रूर करें। एंड एज यूजुअल, कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।